राजेश सोनी की हत्या इसी मकान के अंदर की गई थी। गिगलाना सती ये मकान सतीश उर्फ बेडरा पप्पू सिंह का है, गिगलाना निवासी। इस मकान को पुलिस प्रशासन के द्वारा लॉक किया गया। चल यहाँ रहते थे राजेश सोनी किराए के ऊपर, जिनकी हत्या कर दी गई गिगलाना गांव में। सर जैसे इसको हिम्मत सिंह सुनो मुकेश सिंह को आपने गिरफ्तार किया जी, तो किस एंगल से किया है, कॉल डिटेल से या मुखबर के आधार पे? इसकी मुखबिर और कॉल डिटेल दोनों का हमने इसको सारा लिया। मैं मुखबिर का रोल रहा है इसमें। इसकी ये घटना की पूरी इसको जानकारी थी। 3 तारीख से ही हिम्मत सोनू मोनू और संदीप चारों का प्लान था कि इस सोने को उठाकर बंधक बनाकर इससे रुपये हटेंगे। इस बात को लेकर इन्होंने वहाँ पार्टी भी की है। 9 तारीख को उन्होंने उनके घर पे मीट की पार्टी की है। 10 को भी इसको मारने के बाद भी मीट की पार्टी की है। और ये 11 तारीख को सुबह अम्बाड़ा चला गया था, जहाँ से उसके टेलीफोन नंबर पे शिडियार वगैरह देख के उसका लोकेशन मालूम करके और उसको मुफिर की इतला पर जो ही अम्बाड़ा से उसके माँ बाप के पास में आने लगा तो घर पे जो ही पूछा, हमने उसको दबोच लिया। इसके 4 बहन हैं, एक अकेला भाई है और 10+2 करके ये वहाँ पे अम्बाड़ा से भाग गया था अभी। और इसको गिरफ्तार करके उसके कब्जे से जो टेप इस मशीन ने पेश की थी उसके राजेश सोनी के मुंह पे बांधने के लिए खुद के घर से लेकर गया था। बाकी इस्तेमाल टेप को हमने इसके कब्जे से इसकी इतला पर बरामद कर लिया है। सर बाइक को भी आपने बरामद कर लिया, जिस बाइक से राजेश सोनी को डाला गया था वो बाइक सोनू और संदीप दोनों उसको उसी दिन से घटना के दिन से ही लेकर फरार है। क्या हिम्मत सिंह ने टाइम टेबल बताया कि किस टाइम पे हमने इसको डेड बॉडी में डाला? हिम्मत सिंह ने बताया कि करीब रात के 3-3:30 बजे उन्होंने सोनू और संदीप ने इसको बाइक से डाल रखकर और गिरना पहाड़ी के पास में डाल के और वो बल्लभगढ़ की करके निकल गए थे। राजेश सोनी के पास सर जैसे पैसे थे 10-12 हज़ार रुपये, तो क्या हिम्मत सिंह ने भी यूज किया उन पैसों को? नहीं, उसमें राजेश सोनी के पास से जो 12-13 हज़ार रुपये मोनू मुलजिम द्वारा बताए गए थे उनको सोनू और संदीप द्वारा ही जाना बताया, इनको उनमें से पैसे नहीं दिए। थैंक यू।